find the median in the following distribution of awards won by the media persons. ठीक है, मीडिया पर्सन्स ने जो पुरस्कार जीते हैं उसका डाटा इस प्रकार से है और उसका आपको मीडियन निकालना है. नंबर ऑफ मीडिया पर्सन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर ऑफ मीडिया पर्सन्स एंड नंबर ऑफ अवार्ड्स. एक मीडिया पर्सन्स को कितने अवार्ड मिले वो नंबर है. तो 5 के लिए 2, 5 को 2 अवार्ड्स मिले 2, 6 को 5, 7 को 3, 8 को 7, 9 को 5, 10 को 7 एंड 11 को 4. ठीक है, 10 को 7. तो इसमें आपको मैं पहले बताता हूं, ये डाटा बोलिए, इसका x हो गया कितना 5. ये नंबर ऑफ मीडिया पर्सन्स x 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड नंबर ऑफ अवार्ड्स गिवन टू दिस मीडिया पर्सन्स. हाँ, नंबर 5 को 2 अवार्ड मिला, 5 लोग मिलकर 2 अवार्ड पाए, ये मतलब हुआ 3, 5, 7, 4 यही है ना. मीडियन निकालने में सबसे पहले आप इसमें भी डाटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी भी को भी क्लासिफाइड डाटा ज़्यादातर अरेंज होता है ना. 0 to 5, 5 to 10 ही होगा, 0 to 5 के बाद 20 to 25 नहीं लिखेगा, ये जनरली एक तरीका है. लेकिन फिर भी कोई लिख दे तो उस क्लास को भी, तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे. तो इट इज ऑलरेडी अरेंज नहीं, इसको अरेंज करें एक्स को, ये ऑलरेडी अरेंज है. एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें डिरेंज दो, तो पहले अरेंज कर लीजिए. डेलिब्रेटली आपको डिरेंज करके दिया जाएगा कि आप उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं. तो देखिए, मीडियन निकालने में सबसे पहला काम है अरेंजमेंट करना, एक प्रोटोकॉल में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं. कर सकते बाद में कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अरेंज कर लीजिए. उसके बाद सबसे पहले n का वैल्यू निकालिए. सबसे पहले n का वैल्यू निकालिए और n 36 और उसके बाद n by 2 निकाल लीजिए. सबसे पहले इसमें n by 2 का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मीडियन. थोड़ा आपके पिछले से भिन्न हो गया, n by 2 का प्रयोग अभी तक हमने नहीं किया. 33 का आधा, ये तो सही बताया करो, हैं? 33 का आधा कितना हुआ, 16.5. n by 2 कुछ भी हो छोड़िए, मेथड आपको बता रहे हैं. तो सबसे पहले n by 2 निकालिए. इसमें एक काम करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है. मीडियन निकालने में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है. पहला n by 2, दूसरा काम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सभी फ्रीक्वेंसी को पिछले वाले से जोड़ते जाते हैं. जैसे पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 हुआ, अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दोनों जुड़ जाएगा, हाँ, या ये दोनों भी जोड़ दीजिए 7. अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो इन तीनों को जोड़िए या इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ना आसान होता है 10, फिर 17, फिर 22, फिर 29. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए. अब इसमें n by 2 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच एक मिलान करना होता है, ठीक है. n by 2 के बराबर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कौन है बताइए, नहीं बताइए, हाँ छोड़ो, मेथड समझो.
एन बाई टू के बराबर इसमें कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? नहीं है। मान लो इसमें 16.5 होता तो उसको हम गोल, उसको सर्किल कर देते, सर्किल कर देते। 16.5 से जस्ट बड़ा है कोई? जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा को देखेंगे, छोटा को नहीं। चाहे छोटा 0.1 का डिफरेंस हुआ, बड़ा में 20 का डिफरेंस, फिर भी बड़ा को, जस्ट बड़ा को देखिए। मान लीजिए छोटा फ्रीक्वेंसी जो है ये इसका, उसका 17 है, उसका 16 हो, और अगला बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी 38 हो, तो जस्ट ग्रेटर को लेंगे। यही फॉर्मूला है इसका। तो n बाई टू से जस्ट बड़ा या जस्ट बराबर कौन है? 17 है, और 17 का जो कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर है वही मीडियन होगा। सो मीडियन इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल और जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिराइविंग मीडियन इन केस ऑफ अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।